फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही इजी और इंस्टेंट रेसिपी बनाएंगे, रवा इडली, जो कि आप लोग भी सब बनाते ही होंगे। तो आज हम बनाना सीखेंगे रवा इडली इंस्टेंट मिक्स MTR। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ कि मेरे सारे वीडियोज़ में आप जाए और डिस्क्रिप्शन, जो एरो होता है उसको क्लिक करेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको अमेज़ॉन के लिंक्स मिलेंगे, सो काइंडली गो थ्रू विद दैट लिंक्स। आपको उसमें डे टू डे लाइफ के बारे में पता चलेगा, आपको प्रोडक्ट्स के लिंक्स मिलेंगे जिस पे आप जाके उस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। आप मेरे लिंक के थ्रू जाके भी सर्च पे जाके प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं। तो आई होप आप ज़रूर जाएंगे और प्रोडक्ट्स भी बाय करेंगे। एंड चलिए फिर रेसिपी तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है, ये देखिए। मैंने आपको बताया था रवा इंस्टेंट इडली है, उसके लिए मैंने रवा इंस्टेंट इडली का पैकेट लिया है। दही लिया है मैंने 250 ग्राम और थोड़ा सा पानी। ये पहले इस पैकेट में से रवा इडली को बोल में डाल देते हैं। आप पूरा पैकेट अगर करना चाहते हैं तो पूरे पैकेट में 30-40 इडलियाँ बन जाती हैं आराम से। फिर कम बनाने हैं तो मैंने आधा पैकेट पुट सम कर्ड। आज मैंने आधा पैकेट वो लिया है 250 ग्राम्स, 50 ग्राम्स ही मैं दही लूँगी। मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी। मैं इसमें नमक वगैरह नहीं डाल रही हूँ क्योंकि इसमें ऑलरेडी होता है इंस्टेंट मिक्स में, लेकिन अब लोगों को ज़्यादा नमक जो खाते हैं वो लोग इसमें एक्स्ट्रा नमक भी डाल सकते हैं। और मैंने दही वाले बाउल में ही पीने का पानी ले लिया था, उसको भी मैं थोड़ा सा इसमें डालूँ। अच्छे से मिलाऊंगी। पहले मैं इस बैटर को रख दूंगी। मैंने अच्छे से इसे घोल में बना लिया है और अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। ये मैंने घोल मिला के और जैसे कि आपको बताया था उसे ढक के थोड़ी देर के लिए रख दिया है। तो आइए थोड़ी देर फिर इसको हम इसमें अपने जो बर्तन जिसमें इडली बनेगी उसमें हल्का सा पानी डाल के हमने इसे बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो आइए, थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया था इसे। अब मैंने अपने सांचा ले लिया है इडली का, उसमें मैं थोड़ा सा ऑयल से उसे ऐसे ग्रीस कर दूंगी। ग्रीसिंग कर दिया है अपने बर्तन को। अब मैं इसमें हल्का हल्का ये बैटर डाल दूंगी। सब क्वांटिटी में पूरा भरूंगी नहीं ताकि ये इसमें जगह रहे, थोड़ा फूलता है वो स्टीम के बाद। ये मैंने दोनों में अपने बैटर डाल दिया है और अब मैं इसे अपने इडली स्टैंड में और ढक। और इसे तेज आंच पे थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। मेरी इडली बनके तैयार हो गई है, इतनी सुंदर लग रही है। और मैंने इसको नारियल की चटनी के साथ सर्व किया है। नारियल की चटनी में मैंने छौंक भी लगाया है करी पत्ता का, वो आप सबको अगर नहीं लगाना आता तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई होप यू लाइक माई वीडियो, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।